नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल जेके एरोटिक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्विफ्ट कोड के बारे में कि ये स्विफ्ट कोड होता क्या है और इसका यूज क्या होता है। स्विफ्ट कोड दोस्तों एक बैंक का कोड होता है जो है गूगल एडसेंस अकाउंट में अपने बैंक अकाउंट को लिंक कराते समय आपसे मांगा जाता है, या इसके अलावा विदेश से अगर आपको पैसे मंगाना है किसी दूसरी कंट्री से तो वहाँ पर स्विफ्ट कोड की आवश्यकता होती है। दोस्तों, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ जो आप देख रहे हैं चैनल जेके एरोटेक, और जब गूगल एडसेंस अकाउंट में जब $100 आपका पूरा हो जाता है तब जो है वहाँ पे गूगल एडसेंस जो है आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करती है। वहाँ पर जो है गूगल एडसेंस अकाउंट में आपको अपना बैंक अकाउंट गूगल एडसेंस अकाउंट से लिंक कराना पड़ता है, तो वहाँ पर आपका नाम, अकाउंट नंबर, IFC कोड, ब्रांच के साथ साथ ठीक है एक कोड डालना पड़ता है जिसका नाम होता है स्विफ्ट कोड। इस कोड के लिए दोस्तों मैं बहुत परेशान था। मैं आप भी नेट में सर्च करते होंगे, मैंने भी गूगल किया कि स्विफ्ट कोड आप फला बैंक या स्विफ्ट कोड आप SBI इस बैंक का ब्रांच कोड क्या है। बहुत सारा वक्त ट्राई किया, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था और फाइनली मुझे स्विफ्ट कोड नहीं मिला। इंटरनेट पर अगर आप ढूंढेंगे तो पागल हो जाएंगे, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि स्विफ्ट कोड हर एक ब्रांच का नहीं होता है। स्विफ्ट कोड जो है किसी बैंक में होता, ब्रांच में होता नहीं है। तो इस कंडीशन में आप जो है जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ के कस्टमर केयर से जब आप बात करेंगे, जो 1800 नंबर होता है टोल फ्री नंबर, तो वहाँ से जब आप बात करेंगे तो वो जो है आपको स्विफ्ट कोड प्रोवाइड कर देंगे। और अगर वहाँ पे बात करने के बाद भी आपको आपकी ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है और बिल्कुल आसान है। आप जो है अपने ब्रांच के नियर अबाउट, यानी कि अगर आपका ब्रांच किसी डिस्ट्रिक्ट में है तो उस डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल या किसी सिटी में है तो सिटी का जो एक बैंक, जैसे कि अगर आपका बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और वो UP के अंदर है तो UP के किसी एक सिटी जो आपकी नज़दीकी सिटी हो वहाँ का जो है स्विफ्ट कोड अगर आंसर करेंगे, स्विफ्ट कोड डालेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो ब्रांच था मेरा गूगली था और गूगली ब्रांच का जो है स्विफ्ट कोड नहीं था। मैंने कस्टमर केयर के पास कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आप जो है अपने सिटी का नाम बताइए। मैंने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया कि मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम महाराजगंज जिला है। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी कोई स्विफ्ट कोड नहीं है, आप एक काम कीजिए अपने शहर का नाम बताइए। तो मैंने मेरा जो शहर है गोरखपुर, मैंने उसका स्विफ्ट उसका ब्रांच बताया कि गोरखपुर का बताइए। तो उन्होंने गोरखपुर का स्विफ्ट कोड बताया और मैं जो हूँ उस गोरखपुर वाले ब्रांच का स्विफ्ट कोड डाल दिया और मेरा काम हो गया। तो इसमें घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। अगर आपका ब्रांच कोड का स्विफ्ट कोड नहीं है तो आप अपने नज़दीकी बैंक का स्विफ्ट कोड डालकर ये काम कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल जेके एरोटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऐसे ही लेटेस्ट और नई टेक्निकल एवं एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।